हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एपके गुरु चैनल। दोस्तों आज ब्लैक बंगाल नस्ल के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको पहचाने, क्यों बिहार में लोग ब्लैक बंगाल को ज़्यादा पालते हैं यानी पोसते हैं, इसी सब पे बात करेंगे। इससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा और ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा कि पूरा मैं आपको डिटेल बताऊँगा इस ब्लैक बंगाल नस्ल के बारे में। बच्चा भी ज़्यादा देती है इसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रंग के बारे में। ये काला कलर की होती है, सफ़ेद होती है और भूरा कलर की होती है। कुछ में जो ब्लैक होती है उसके ऊपर, सर के ऊपर या फिर आपको पेट के ऊपर वाइट होता है। आप देख सकते हैं बहुत से इसमें फोटो है, ऐसा होता है। यानी तीन कलर प्लस एक वाइट ब्लैक जो मिक्स होता है, चार कलर होता है। उसके बाद बात करते हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ब्लैक बंगाल खास करके। तो पहले जो बिहार था एक बहुत बड़ा राज्य था, जो असम उड़ीसा झारखंड आपको ये सब एक में था, तो बहुत बड़ा, तो इसलिए वहाँ पे पाई जाती है। उड़ीसा में मिलेगा आपको, बंगाल में मिलेगा आपको, झारखंड में मिलेगा आपको, यानी उत्तर भारत एरिया में ये ब्लैक बंगाल ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसको यहाँ का देसी बकरी भी बोलते हैं। इस बकरी में खासियत ये है कि ये छोटे आकार की होती है। इसकी लंबाई 54 सेंटी होती है, ऊँचाई 50 सेंटी होती है और छाती का जो घेरा होता है 59 से 60 सेंटी होता है। यानी ये मादा का, नर का उससे थोड़ा सा कम होता है। इसकी वजन का बात करेगा नर का तो 15 से लेकर 32 केजी तक होते हैं यानी जिंदा, और मादा का बात करें तो 12 से लेकर 20 केजी तक ये होता है। इसके चेहरे छोटे होते हैं, सीधा होता है और हल्का सा दबा होता है। अगर सिंग जो होता है बकरी को भी होता है, बकरा को भी होता है, यानी खस्सी को भी होता है। उसका लगभग 5 से लेकर 8 सेंटी तक सिंग होता है। बात करते हैं दाढ़ी। दाढ़ी जो बकरी को भी होता है, बकरा को भी होता है, मगर थोड़ा कुछ एज होने के बाद दोनों को दाढ़ी होता है। ये नस्ल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके जो मीट होता है, जो गोश्त होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बिहार झारखंड उड़ीसा में इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अगर ये दूसरे राज्य के लोग भी खाएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा आपको पसंद ये नस्ल में मीट जो होता है बहुत ज़्यादा इसका टेस्टी होता है। अगर इसकी बात करते हैं कि आपको बीमारी के बारे में, तो इसमें बीमारी ना के बराबर है। इसमें बहुत ही कम खर्चा है बीमारी को लेकर, जैसे और बकरा या बकरी को अगर लेते हैं तो उसमें बहुत ही खर्चा है, आपको इलाज कराना है, बहुत सा इंजेक्शन बहुत सही है, मगर इसमें ना के बराबर है आपको खर्चा। थोड़ा बरसात से थोड़ा बचाना थोड़ा, मगर ये बकरी में एक और खासियत, अगर भींग भी जाती है तो इसको कुछ नहीं होता है। एक बार दो बार भींग भी गई तो ये उतना, इसको ये है कि उस हिसाब से क्लाइमेट इसका मिलता है कि वो अपने आप को सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। और इसको आप दाना पे यानी भूसा हो गया, जो गेहूं का भूसा और भी सिर्फ खिला कर भी रख सकते हैं, और चरी पे, खास करके ये जो नस्ल है चरी के लिए ही है, जो चराइए कहीं भी उसे ही अपना जो भी चाहिए वो पा लेती है, जो भी पोषक तत्व चाहती हो वो पा लेती है, क्योंकि ये ज़्यादा नस्ल जो है चराई के लिए ही है। और इसका अगर बकरा बात करते हैं, अगर सेल करना है बकरा जो बकरी है, तो आपको लगभग 4000 से 4500 में आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर ये बच्चा जो देती है एक बार में, फर्स्ट बार में तो ये एक बच्चा देगी, मगर बाद में दो बच्चा, तीन बच्चा, चार चार बच्चा तक ये देती है। तो ये ज़रूर आप देखिए, इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्द, आपको उसमें बताएंगे क्या 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 आप कब कितने दिन में वो बच्चा देती है, इसके बारे में वीडियो में अगला वीडियो में बताऊँगा, और कितने में उसका बकरा सेल होगा सब मैं उसमें बताऊँगा। ओके दोस्तों।